तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। आज आलू में तेजी देखने को मिली इन लोगों के हिसाब से। अभी फ़िलहाल में आप लोग जो देख पा रहे हो, अभी हम आज 3 जनवरी को नबीगंज की मंडी में हैं। और लोग क्या कहते हैं कि नबीगंज की मंडी में आखिरकार आलू जो हैं तेज क्यों बिचा करते हैं। अभी आज ये नबीगंज की जो मंडी है लगभग रात में ही लगा करती है। यहाँ पे जो आलू की बिक्री है वो शाम को ही हुआ करती है। और आज हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे आलू की बिक्री का सिस्टम कैसा रहता है, यहाँ पे आलू की बिक्री कैसे होती है, यहाँ पे आलू की भर्ती कितनी होती है। तो अभी आप लोगों को बैक कैमरे से यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। अब आप लोगों को रेगुलर इसी प्रकार से आलू के भाव की वीडियो मिलती रहा करेंगी। और जो भाई जानना चाहते हैं कि नबीगंज की मंडी किस जगह पे पड़ती है, ये नबीगंज की मंडी है जो छिबरामऊ से लगभग 10 किलोमीटर मैनपुरी ज़िले में पड़ती है। और छिबरामऊ कन्नौज ज़िले में पड़ता है और कन्नौज यूपी में पड़ता है। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पर आलू का पोजिशन कैसा है। तो अभी फ़िलहाल में आप लोग देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पे समथिंग 4:30 बजने जा रहा है और यहाँ पे आलू धीरे धीरे करके आने लगे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ मंडी जो है केवल कच्ची सीजन की ही मंडी है और यहाँ पे अभी धीरे धीरे करके माल आना प्रारंभ हो गया है। और कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो कि अभी रात में ही लोड होंगी और रात में ही यहाँ से चली जाएंगी। और ये मंडी जो है शाम को लगभग 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और जो आलू की बिक्री है रात के 12-1 बजे तक चलती रहती है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो आरती भाई है उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के यहाँ का आलू का भाव क्या है, यहाँ पे आलू का बिक्री का सिस्टम कैसा क्या रहता है। तो अभी फ़िलहाल में इधर सबसे पहले तो हम आपको आपकी कमेंट का जवाब देते हैं कि कुछ लोग भाई ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे भर्ती कैसी होती है। सबसे पहले तो आपको खूब दिखाई दे रहा होगा कि भर्ती जो है कुछ इस प्रकार से होती है। कम से कम इतना जगह, मतलब इतना मोड़ा जो है इतना खुला होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो आलू की बिक्री होती है थोड़ी, मतलब हर जगह से थोड़ा महंगा आलू यहाँ पर बिक जाता है। लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आप लोगों को ये कट्टा दिखाई दे रहा है। इस कट्टे में वजन जो होगा कम से कम आपका 55+ होगा, मतलब 60 किलो के आसपास भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे आलू आरती मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे आज और कल क्या भाव चल रहे हैं, अभी आलू की बिक्री हुई है या नहीं हुई है। तो अभी चलिए बात कराते हैं आपको। तो हमारे साथ आलू आरती राजीव भैया जी हैं। भैया जी ये बताइए, ये नबीगंज की मंडी है, लोगों का एक सवाल रहता है कि यहाँ पे जो आलू की बिक्री है सबसे तेज़ यहाँ पे आलू कैसे क्यों बिक जाता है, इसका क्या कारण होता है? यहाँ पे जो व्यापारी भाई हैं यहाँ पे ख़रीदार ज़्यादा होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं माल कम पड़ जाता है इसलिए ऐसा होता है? अच्छा, आज कल से 2-3 दिन से आमदनी कैसी हो रही है? आमदनी कम आ रही है ना, इसीलिए थोड़ा बाज़ार भी टाइट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या भाव चल रहे हैं? आलू 400 से लेके और पौने 500, मतलब 475 तक, 75 तक, मतलब मंडी टाइट है आज से, मतलब कल से ना। आज कुछ अभी बिक्री हुई क्या? अभी नहीं, अभी कोई बिक्री नहीं। कितने टाइम बिक्री होगी? बस नंबर है। क्या उम्मीद है कि आज बाज़ार टाइट हो सकते हैं या नहीं? कल के भाव बिकेंगे, ऐसा क्यों? आज आमदनी तो लग नहीं रही उतनी। ठीक ठाक बिकेंगे, ठीक ठाक कल जैसे ही बिचेंगे। मतलब आमतौर पे क्या भाव बिक रहे थे? आमतौर तो पिछले तो बिक रहे थे 5 दिन पहले 300, 325, 350। अच्छा अच्छा, और अभी आमतौर पे मतलब कल क्या भाव बिके आमतौर पे? ज़्यादातर बिके 431, 41, 51, 431, 41, 51 में बिके ज़्यादातर। और इक्का दुक्का बिके आपके 50, 60, 75 है? 75 में एक आध दो लाट बिची होंगी, ज़्यादा नहीं ना। अच्छा ऐसा हुआ। तो आमदनी कितने, मतलब कितने हज़ार कट्टे तक हो जा रही है अभी? आमदनी मान चलो कम से कम तो 10,000 बोरी तो मिनिमम मान चलो। अच्छा, 10,000 बोरी हो रही है इस समय। अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी यहाँ पे कोई जो व्यापारी भाई मिलते हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे कि अभी यहाँ पे जो आलू की ख़रीदारी हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। बाद बाकी यहाँ पे जो आलू की बिक्री होगी वो शाम को होती है। अभी आप लोगों को हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि किस क्वालिटी का आलू किस भाव में बिक रहा है नबीगंज की मंडी में।
तो चलिए अभी आप लोगों को हम दूसरी दुकान पे भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आलू की जो भर्ती होती है वो किस प्रकार से है। और देख पा रहे हो आप लोग, यहीं से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद हर बोरे का जो मोड़ा होता है यहाँ पे खुला दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी फ़िलहाल में जितने भी आलू ये आ चुके हैं अभी इनकी बिक्री नहीं हुई है। यहाँ पर जो बिक्री होती है वो समथिंग शाम को ही हुआ करती है। और अभी क्या है कि अभी तो सिर्फ यहाँ पे स्टॉक लगाया जा रहा है और शाम को दिखाया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे कि आलू की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कितना सुंदर आलू है। और बिक्री अभी हुई नहीं है और अभी होगी समथिंग। यहाँ पर बिक्री जो बताते हैं आपके 350 से लेकर और 450 रुपये तक यहाँ पर आलू की बिक्री हो रही है। इक्का दुक्का 75 भी बिक रहे हैं। तो अभी क्या है शाम को यहाँ पे जैसे ही बिक्री होती है वैसे ही हम आप लोगों को वीडियो में दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि किस क्वालिटी का आलू किस भाव में बिका। लेकिन यहाँ की भर्ती देखने के बाद में पता चलता है कि हर कट्टे में जो वज़न होगा समथिंग आपका 55 प्लस होगा, मतलब 60 किलो के आसपास। और इधर भी कुछ कट्टे लगे हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर आमदनी बढ़ती जा रही है। तो ये रही आपकी नबीगंज मंडी। साथ आलू आरती, क्या नाम है दादा आपका? कुंवर सिंह। इससे पहले भी हमारी आपकी बात हो चुकी है। अभी अपनी दुकान पे ये इतना सुंदर आलू आया है, अच्छा लग रहा देखने में और भर्ती भी अच्छी है। क्या रेट यहाँ पे चल रहे हैं? ये 430, 450। ये अच्छा आलू है, क्या रेट बिक सकता है ये वाला? जैसा लोग कह रहे हैं यहाँ पे 75 तक भी बिका है, 475 तक कल। अच्छा, क्या क्या भाव बेचे? मतलब सबसे अधिकतम 41। आज क्या मंडी रह सकती है? आज आमदनी तो कम मालूम पड़ रही है, अब आना शुरू हुई है। तो आज क्या रेट रह सकते हैं? वही बढ़िया आलू 430 मंडी में, हमारी दुकान का अलग भाव है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी क्या है कि जो ये आलू हैं ये बारिश के बाद के हैं या पहले के? बारिश से पहले वाले हैं। तभी यहाँ पे भर्ती कितनी होती है कट्टे में? 58 या 60 होती होगी। तो बिक्री यहाँ पे कब से लेके कब तक होती रहती है? बिक्री होती है यहाँ 5-6 बजे से चालू हो जाती है, रात 9-10 बजे तक। अच्छा अच्छा,